क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल दिया है जिसके दो डायमीटर दिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके अलावा बताया कि जो ओ डी है वो डायमीटर है इस स्मॉलर सर्कल की। इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अगर हमें बताया ओ ए 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो क्या दिया है इस बात को देखें, तो हमें पता पड़ेगा कि हमें दिया है ओ ए, और हमें बताया था कि ए बी है वो डायमीटर है, तो ओ ए हाफ हो जाएगा रेडियस, क्योंकि ये भी डायमीटर था और दो डायमीटर एक दूसरे को सेंटर पे ही तो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ओ ए रेडियस हो जाएगी। तो ओ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और बात पता पड़ी हमें कि जो ओ डी ए वो इस स्मॉलर सर्कल की डायमीटर है, और ओ डी भी तो इस सर्कल की रेडियस होगी, इक्वल टू हम यहां पे लिख सकते हैं ओ ए को हम इक्वल लिख सकते हैं ओ डी के, और ओ डी डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब ओ ए की वैल्यू 7 थी तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ओ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन में एक तो आ रहा है ये सर्कल, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसके अलावा इसमें जोड़ना पड़ेगा ये दो टुकड़े, अरे दो टुकड़े कैसे निकाले, तो देखें तो ये एक सेमी सर्कल में बना हुआ है क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में बांटती है, तो ये सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल। तो अगर पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकाले और उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया माइनस करते तो इतना सा तो बचेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्कल का एरिया मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें तो माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के लिए रेडियस हम कैपिटल आर से शो कर देते, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर, इसमें यहां पे हमने स्मॉलर आर लिखा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब रेडियस तो हमको दोनों की पता है, बेस और हाइट के बारे में देख लेते हैं। इस ट्रायंगल के लिए हाइट हम ओसी को ले सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जिस लाइन पे वही बेस होता है, तो बीए हो जाएगा बेस। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई मतलब 22/7, आर स्मॉलर सर्कल के लिए 7/2 स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब बड़ा वाले सर्कल की रेडियस जो कि 7 स्क्वायर, माइनस हाफ बेस, बेस ने हमने लिया था एबी को, और एबी 7/2 = 14 हो जाएगा। हाइट इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि रेडियस है मतलब 7, डिवाइड करें 7 से 7 कट जाएगा, 2 11 = 22, 2 से 22 7 से 7, 2 से 14 7 बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े इसलिए 7 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 11, यहां पे बचेगा प्लस का 11, 7 बाहर निकल चुका है यहां से भी, और यहां पे बचा एक अकेला 7 जो एक 7 बाहर निकल चुका है, और इस वाले में डिवाइड में 2 बचा है, इसके अलावा किसमें भी नहीं बचा है। तो 11 में 7 माइनस करें तो ऐसा आएगा 4, और इसमें 11/2 का प्लस करना है, सोल्व करें 4 2 8 और 11 19/2 इंटू 7 है, 19 × 7 डिवाइड 2 करें तो 133 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड कर देते 2 6 12 2 6 12.5 एरिया है इसलिए स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी 173 20.5, नोट कर लिया हमने यहाँ पे, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज अ सेंटर।
अब हर एक वर्टेक्स जो इस ट्रायंगल की है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब सारे एंगल्स के 60 डिग्री होने वाले हैं। उस हर वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू, एक सर्कल खींचा और रेडियस के लिए टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की आधी लेंथ को रेडियस मानिए, तो आधे पे एक सर्कल बन गया, ऐसे यहाँ पे आधे पे दूसरा सर्कल बन गया, ऐसे यहाँ पे तीसरा सर्कल बन गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अब हमें ये रीजन बताना है शेडेड रीजन का एरिया, तो अगर देख पा रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये तीन जो सेक्टर है उनका एरिया इस ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। अब सेक्टर का एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस और एंगल, एंगल तो हम निकाल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस कारण से, पर रेडियस निकालना है इसके लिए इस ट्रायंगल की साइड चाहिए, और ट्रायंगल की साइड हम इस पर इसके थ्रू निकाल सकते हैं, कैसे, ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया हो जाएगा इसका रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड भेजे तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17320.5 डिवाइड बाय रूट 3 अपॉन में आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर रूट 3 की वैल्यू आगे तक ऑब्जर्व करोगे तो पता पड़ेगा रूट 3 की वैल्यू 1.732 के आगे होती है 0.5, देखो एग्जैक्ट सेम ऊपर जैसे डिजिट है, इसका मतलब केवल पॉइंट का ध्यान रखना है हमें। अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पीछे 5 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, मतलब 50 वाला, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब 10 काटेंगे तो वहां पे बच जाएगा 10,000 और यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचा 4 × 10,000 जिसको हम लिख सकते 2 × 2 × 100 × 100। अब मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे साइड का स्क्वायर था और हमें निकालना साइड, इसके लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से वही चीज बाहर निकलती है जो दो बार मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब साइड इक्वल टू हो जाएगा 2 × 100, मतलब 200 सेंटीमीटर साइड है इसका सेंटीमीटर और यूनिट सेंटीमीटर ही थी। तो अब हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इस सर्कल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की हाफ थी, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड बाय 2, साइड थी 200 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर रेडियस मिल गई हमें, एंगल के बारे में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं एंड इस एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा और इस हिसाब से हम लिख पाएंगे इसके एरिया के लिए थीटा बाय 360, मतलब 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू 100, तो लिख लेते हैं थीटा 60 डिग्री है एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस इस पूरे ट्रायंगल में से ये तीन सेक्टर माइनस करने, मतलब 3 × एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालने की जरूरत नहीं दे रखा था, माइनस 3 × एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360, थीटा है हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू पाई जो कि 3.14, आर स्क्वायर जो कि 100 और इसका स्क्वायर इसलिए 2 times, सोल्व कर लेते 0 से 0 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो 1.57, यहाँ पे बचा 17320.5 माइनस यहाँ पे बचा 1.57 × 100 जो कि हो जाएगा 157 × 100 जो हो जाएगा 157 00। अब माइनस कर लेते कैसा आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 11 ओना स्क्वायर हैंडकरचीफ, तो एक हैंडकरचीफ है और वो स्क्वायर है, मतलब दोनों साइड बराबर होगी लेंथ ऑफ ब्रिज, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसमें 9 डिजाइन है और सबकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, आ मेक फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ,
तो जो बच रहा है एरिया ये वाले ऐसे वाला, इसका एरिया बताना है हमें। तो है तो काफी सिंपल, हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा एंकर चिप का, इसके बाद नाइन सर्कल का एरिया निकाल के उससे माइनस करना पड़ेगा। और सर्कल का एरिया निकालना सिंपल पड़ेगा क्योंकि उसकी तो रेडियस है, साइड नहीं दे रखी है स्क्वायर की। पर यहाँ पे देखे, जिससे पहले हमने बताया था कि दो पैरेलल लाइन है, इस कारण से इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी। तो ये जो लाइन होगी जो इनके डायमीटर से होकर जा रही होगी, वो उसकी लेंथ भी इसके बराबर होगी, स्क्वायर की साइड के बराबर। और ये जो डायमीटर से होकर जा रही है, इसका मतलब तीन डायमीटर हो गई है। तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, 3 इंटू डायमीटर, रेडियस दे रखी 7, तो डायमीटर हो जाएगी 2 इंटू 7, तो साइड हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब तो काफी सिंपल हो जाएगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोजिशन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और कितने सर्कल है 9, तो एरिया ऑफ 9 सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और 9 सर्कल इसलिए 9 से मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर का, साइड दिया 42 स्क्वायर इसलिए 2 टाइम 9 इनटू पाई इनटू आर दिया 7, तो पाई लिख देता 22 अपॉन 7, और आर मतलब 7 का स्क्वायर। सोल्व करें, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ रहा है 1386। अब दोनों को माइनस कर लेते तो आंसर आ रहा है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर।